जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी की लग रही है, लेकिन एक सवाल उनके सामने है कि ये चुनाव क्या गठबंधन में लड़ा जाए या अकेले दम पर लड़ा जाए। अब इस सवाल का जवाब फिलहाल कांग्रेस के पास नहीं है, लेकिन कांग्रेस अपनी तरफ से तस्वीर स्पष्ट कर चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर का ये दौरा काफी खास रहा है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है, चुनावी तैयारियों की समीक्षा की है, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, बैठक बुलाई गई और ये बताया गया कि ये चुनाव कितना अहम है कार्यकर्ताओं को। साथ ही राहुल गांधी ने एक बड़ा संदेश दिया, पीएम मोदी पर निशाना साधा, जम्मू कश्मीर में हम गठबंधन करेंगे, राहुल गांधी ने ये बात कही। यानी कि अब गेंद है दूसरी पार्टियों के पाले में जो रीजनल पार्टियां जम्मू कश्मीर की हैं। क्या कांग्रेस पार्टी फारूक अब्दुल्ला की पार्टी से गठबंधन करने जा रही है, सवाल बड़ा है। दूसरी ओर पीडीपी से भी क्या बातचीत होगी, ये भी अहम सवाल है। अब कार्यकर्ताओं की अनदेखी नहीं होगी, राहुल गांधी कह रहे हैं, पीएम मोदी के कॉन्फिडेंस को इंडिया ने खत्म कर दिया, इंडिया गठबंधन ने खत्म कर दिया, ये बात राहुल गांधी कहते नजर आए। मल्लिकार्जुन खड़गे भी अपनी ओर से कई बातें कहते दिखाई दिए हैं, दोनों नेता अपनी ओर से क्या कह रहे थे ये सुनाने का समय है, सुनवाते हैं। कि हम और राहुल गांधी जी जो पहली दौरे की मीटिंग यहाँ पर जो रखी है, आने वाले चुनाव में किस तरीके से हमारे कार्यकर्ता लड़ना चाहिए और उनके क्या विचार हैं, उनको पूछ के आगे कदम हमको रखना है, और जो गठबंधन भी होगा तो कैसा होगा उसके लिए भी हमारे जो लोकल लीडर्स हैं वो जो सलाह देंगे उस पर हम काम कर रहे हैं और हमारे लोग उसमें कामयाब होंगे। और राहुल जी इंटरेस्टेड है कि जम्मू कश्मीर में हम सभी एक होके लड़े, इवन अपोजिशन को भी साथ लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसमें कामयाबी भी हमको हासिल हुई है। जब इंडिया गठबंधन हमने बनाया है तो राहुल जी ने सभी नेताओं को बुला कर बात किया, वो हमने उसका रिजल्ट भी देखा, और आप सबको मालूम है कि इंडिया गठबंधन एक डिक्टेटर को सत्ता में संपूर्ण बहुमत से आने में रोका, यही बहुत बड़ी कामयाबी इंडिया गठबंधन की है। And my message to the people of Jammu and Kashmir is, however we can help you, the Congress party is always there. We understand that you're going through a very difficult period, a tough period, and we want to remove violence. जैसे मैंने भारत जोड़ो यात्रा में कहा था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान हम खोलना चाहते हैं, इज्जत से, रिस्पेक्ट से, भाईचारे के साथ। थैंक यू वेरी मच।